शुभोदय बच्चों, आज हम लोग नया कविता शहर का बच्चा और गांव का बच्चा दोनों के बारे में दिया है। कंपेयर कर रहे हो दोनों। अब शहर का बच्चा क्या क्या समझता है, वो गांव में अच्छा रहेगा, और गांव का बच्चों को क्या लगा, शहर अच्छा लगता है। कैसे उनको अच्छा लगता है देखेंगे, ठीक है। पहले देखेंगे शहर का बच्चा, शहर का जीवन कैसा है। शहर आम, हाँ, हम लोग शहर में रहते हैं, सिटी में ऐसे हमेशा भाग दौड़ रहता है, किधर देखो उधर कचरा, पॉल्यूशन और गाड़ी उनका आवाज़, हाँ, ट्रैफिक, ये सभी देखते हैं हम लोग। लेकिन एक क्षण भी फुर्सत नहीं, हमें ये नहीं, टाइम ही नहीं है अच्छी तरह से फैमिली के साथ बिताने के लिए। हमेशा दौड़ते ही रहते हैं काम के लिए। हाँ, वही शहर का जीवन कैसा होता है, शहर के बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो, आपको ये सब, आपको भी गांव में रहने का अच्छा लगता है कि नहीं। गांव का सुंदर वातावरण, हरियाली, खेत, पानी, तालाब, उधर सब घूमने के लिए आप लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन इसमें देखेंगे क्या क्या दिया है शहर का बच्चा। पहले मैं कविता पढ़ूंगी। पहला शहर का बच्चा। मुझसे मिलो, मैं एक शहर की एक सड़क पर रहता हूँ। भीड़ भाड़ से भरे शहर में घनघोर प्रदूषण सहता हूँ। लोग ही लोग दिखाई देते, कितना शोर शराबा है। नहीं समय है एक पास किसी के, हर कोई दौड़ा भागा है। चारों ओर है घर की कतारें, धुआं काला काला है। आपाधापी से भरा है जीवन, ना कोई रुकने वाला है। काश मैं भी गांव में रहता, खेतों और खलिहानों में भरा हुआ अपनापन होता। मिट्टी के बड़े मकानों में, शहर के नीले अंबर के बस बादल मुझको खाते हैं। लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं। शहर का बच्चा क्या सोचता है, देखो। शहर में मुझसे मिलो, शहर का बच्चा मुझसे मिलो, मैं शहर के सड़क पर, रोड पर रहता हूँ। और भीड़ भाड़ से भरे शहर में, भीड़ भाड़ हमेशा गर्दी रहती है, गर्दियों में ही जनजंगुड़ी, तुम्बा रशा इतला, और घनघोर प्रदर्शन, घनघोर यानी बहुत सारे, इतना असहनीय प्रदूषण है, सहन नहीं होता। धुआं, वो मोटर आवाज़ों का, मोटरों का धुआं, और ट्रैफिक रहता है, और फैक्ट्रियों का धुआं, ये सभी प्रदूषण फैलाता है। इसमें मैं रहता हूँ, लोग ही लोग दिखाई देते हैं, जहाँ देखो वहाँ लोग ही लोग, जनाने कानस्तर एल्ली नोड़ी जनाने कानस्तर, कितना शोर शराबा है, एस्टू गलाटे इदे। नहीं समय है किसी के पास, यार मनेनु टाइम इल्ल, एल्लरू ओड्तने इर्तारे केलसक्के, होदा, बेळगे एद्द तक्षणने जॉब होगोके एल्लरू ओड्ता इर्तारे। हर कोई दौड़ा भागा, दौड़ते रहते हैं हमेशा, बस पकड़ने के लिए टाइम पे जाना है, ट्रैफिक रहता है, सिग्नल आ जाता है, इसलिए जल्दी पहुंचना है ऑफिस पे, इसलिए वो जल्दी ही दौड़ते हुए जाते रहते हैं। चारों ओर है घर की कतारें, कतारें यानी लाइन। अभी किधर देखो उधर कॉलोनी में घर कैसे रहता है, एक ही लाइन में रहता है। ಒಂದೇ ಕಡೆಯೇ ಬರೀ ಮನೆಗಳ ಲೈನೇ ಇದೆ, ಕತಾರೇನೇ ಲೈನ್. ಧುವಾ ಕಾಲ ಕಾಲ ಹೇ, ಧುವಾ ಹೇ ಹೊಗೆ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಗೆ, ಕಾಲ ಕರಿಯಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪ ಕಪ್ಪಾಗಿರುವಂಥ ಹೊಗೆ ಇದೆ. ಆಪಾದಾಪಿ ಸೇ ಭರಾ ಹೇ ಜೀವನ್, ನಾ ಕೋಯಿ ರುಕ್ನೆ ವಾಲ ಹೇ. ಆಪಾದಾಪಿ ಏನಿ, ಕೋಯಿ ಉಸ್ಕ ಭಾಗ ದೌಡೆ ಜಿಂದಗಿ, ಕೋಯಿ ರುಕ್ನೆ ವಾಲ ನೀ ಹೇ, ಕಿಸಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಹೀ ನೀ ಹೇ, यार मेरे टाइम ही ला थोड़ो के। काश मैं भी गांव में रहता, वो सोचता है, ये सब छोड़ के नानू यो हलिये, गाँव है ना, हल विलेजल खेतों और खलिहानों में नानू ओडाड़ता है, खेतों हाँ इले हल गे खलिहान मर उंटे काड़ प्रदेश खाली प्रदेश नानू ओडाड़ता आराम इतना
भरा हुआ अपनापन होता है मिट्टी के बड़े मकानों में मणिन मनयल्लि नानू दोड दोड मणिन मनयल्लि नानू इर्ता इद्दे एष्टु आरामागिर्ता इत्तु शहर के नीले अंबर के बस इल्लि नगरदल्लि अवनिगे इष्ट आयितु अंद्रे अंबर एनि आकाश आकाशदल्लिरुवंत बादल मोड अष्टे अवनिगे इष्ट आगुत्ते लगता है जैसे महल बनाकर रहने मुझे बुलाते हैं उसमें कोई घर बना के रखता है वो बादल मुझे बुला रहा है घर बना के उधर आने के लिए वेलकम कर रहा है वो बादल मेघ बादल अंबर में अंबर यानी स्काई आकाश तो मोड़ा तन्न मने के इवन करेदे फील आगता अदस्टे अवे नगर इष्ट आगते देखो शहर का बच्चा गांव में रहे तो अच्छा लगता था ऐसा लग रहा था उसे अभी कल देख क्या देखेंगे हम लोग गांव का बच्चा क्या सोचता है ये दोनों के कंपेयर कभी भी ऐसा ही रहता है हमारे पास जो नहीं रहते वो ही अच्छा लगता है नम कड़े ऐन ना एल नम अदे इष्ट आगते एलू आगे चिख मकली दौडर नम कड़े ऐनो अद्र बे नम्बिष्ट आगो हाददा ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅದಿರಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಹೋಗೋನಿಗೂ ಸಿಟಿಲಿರಬೇಕು ಸಿಟಿಲಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಣ್ಣಗೆ ಅಂತ ಅಂತೇವೆ ಗಾದೆ ಮಾತು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅನುಭವಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ देखो कल क्या हम करेंगे गांव का बच्चा क्या सोचता है उसके बारे में हम कल इसके बारे में चर्चा करेंगे ठीक है।